तो हेलो, आज हम लेके हैं FND का PA100 स्पीकर, जो कि अभी न्यू लॉन्च हुआ है और सिर्फ फोर ब्रदर्स पे अवेलेबल है। ये है 40 वॉट का अपना पोर्टेबल। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, इसके अंदर से निकलने क्या वाला है। तो फटाफट हम इसको कट लगाते हैं। तो इसके अंदर से निकला है ये, तो इसके अंदर से निकला है ये। कैमरामैन थोड़ा पास आए। इसमें निकल रहा है एक पावर कॉर्ड जो कि चार्जिंग के लिए, ऑफ कोर्स एक ऑक्स टू ऑक्स केबल है 3.5 mm। बाकी इसकी एक पुस्तक आती है जो हमारे किसी काम की है, तो हम इसको वापस रख देते हैं। इसमें मिलती हैं दो बैटरीज जो कि हम माइक में लगाएंगे। चलिए अभी लगा लेते हैं हम फिलहाल। ये ऐसे करके इसमें आप चार्ज यूज कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल कंपनी ने दिया, हम उसी को यूज कर रहे हैं। और ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। ओके, अरे ये हमने इसके अंदर डाल दिया स्पीक। तो माइक हमारा हो गया है रेडी। मैं स्पीकर नहीं देखा, फर्स्ट माइक ही ऑन कर लिया है। तो माइक गेट्स वर्किंग। तो इसको फिलहाल अभी साइड में रख देते हैं। कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं। तो अब बारी है स्पीकर की। तो स्पीकर तो भाई हमारा स्पीकर निकल गया फाइनली। तो हमारा स्पीकर निकल गया और ये कुछ कुछ भाई सच में कुछ कुछ, तो ये अभी उसकी तरह ही दिख रहा है जो कि मेरे दिमाग में चल रहा है। नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना कि ये किस स्पीकर की तरह दिख रहा है। तो ये है इसका फ्रंट लुक, बैक लुक। तो कैमरा मैन थोड़ा पास आए और इसको ऊपर से दिखाएं, इसका अपर लुक। इसमें मिलता है आपको इको बटन जो कि माइक के लिए है, ट्रबल, बेस, ये जो तीन बटन्स हैं ये आपके माइक कंट्रोल्स के लिए। यहाँ पर मिलता है एक FND का लोगो के साथ वॉल्यूम बटन जो कि प्ले पॉज सेम बटन में ही दिया है। बाकी यहाँ पे हमको मिलता है एक ऑन ऑफ बटन, हम ऑन करते हैं। फाइनली हमने स्पीकर को ऑन कर लिया है। ये चार्ज नहीं था, तो हमने अभी इसको चार्ज करने के लिए पावर कॉर्ड लगाया जो इसी के साथ आ रखी थी। हमने इसको ऑन कर लिया, अभी हम इसकी साउंड सुनते हैं। तो हम अपने फ़ोन से फटाफट इसके ब्लूटूथ से इसको पेयर कर लेते हैं। ब्लूटूथ में इसका नाम आता है फेंडा। सीरियसली बोलो तो साउंड सुन के तो मजा ही आ गया भाई। साउंड बहुत ही जबरदस्त है इसकी। एज कंपेयर करें तो ये JBL का जो पार्टी बॉक्स एनकोर एसेंशियल आता है ना भाई, उसके जैसा है बिल्कुल ही। मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। एकदम साउंड की बात करें तो दोनों सिमिलर हैं। प्राइस का डिफरेंस बहुत काफी अच्छा है। मैं प्राइस डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये नया नया प्रोडक्ट आया अभी। तो ये है प्रोडक्ट और कुछ चीज़ें इसकी बेसिक जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ एक वायरलेस माइक मिलता है जो कि ये है वायरलेस माइक। और आप चाहें तो यहाँ पे एक और ऑप्शनल है, आप माइक को ही कनेक्ट कर सकते हैं या फिर गिटार जो भी आपके पास, वो चीज़ें यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो JBL से बेटर भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि
उसमें ज़्यादा बेटर है इससे। तो फिलहाल ये हमारा करना भूल ही गए, तो हम एक बार माइक टेस्टिंग भी कर ही लेते हैं। हेलो 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 ट्रेबल इज फुल, ये बेस है इसका। हेलो हेलो माइक चेक 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 चेक। हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। तो ओवरऑल जो स्पीकर है उसको अगर कोई मेरे से पूछे कि 5 में से कितने रेटिंग देना चाहते हो, तो मैं इसको 5 में से 5 ही दूंगा फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि मेरे को तो भाई बहुत ही अच्छा लगा। कॉम्पैक्ट साइज है, काफी लाइट वेट है, माइक भी है, आगे आपको डिक्चुक डिक्चुक वाली लाइट्स भी मिल जाती हैं, डिस्को लाइट्स। तो भी